Hello guys, welcome to my new video and today I'm gonna show you how to mine baby dodge. आज मैं आपको बताता हूँ कि baby dodge को हम कैसे mine करते हैं. As you know that already कि हमारा baby dodge जो है वो इस time पे काफी hype है उसका. यार पहले एक बात बोलूँगा, अगर please subscribe कर लिया करो, share करा करो सही लगे video तो, और comment भी किया करो. मैं ज़्यादा बोलता नहीं ये चीज़ें, फिर भी मैं एक बात तो बोल ही देता हूँ. प्लीज़ अगर वीडियो सही लगती है सब्सक्राइब किया करो यार. तो सबसे पहले चलते हैं कि कॉइन मार्केट कैप में. एंड राइट नाउ जो बेबी डॉज की रुपीज़ में प्राइस है वो 6.0 के बाद 2691 है एंड 5.73% के अप जा रहा है. अभी की सिनेरियो में जहां पे सारे क्वाइंस बीटीसी इथेरियम जितने भी बड़े बड़े क्वाइंस हैं वो सब क्वाइन रेड है, बट ये क्वाइन फिर भी ग्रीन की तरफ है. क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एक तो इसका बन पोर्टल वगैरह खुला है, बहुत सारे अपडेट्स हैं इसमें. ठीक है, अगर इसका हम ये चार्ट देखेंगे तो आप ये देखो कि कैसा ये हाइप बनाता हुआ चल रहा है. अप गया, डाउन, फिर अप, और अभी भी ये ठीक ठाक पोजीशन में है और आगे ये अप ही जाएगा. क्योंकि अब तो सभी को पता है कि आने वाले टाइम में बुलिश ट्रेंड आने वाला है. तो यार हमको इस क्वाइन को माइन करके थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना चाहिए. अब माइन कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं. मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हम इसको माइन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जो भी होता है यार वो सब कर देना. सब्सक्राइब जरूर करना. तो उसके लिए हम इसको बेबी डॉज को माइन करने का आप सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले हमें जाना होगा अनमाइनेबल पे. हम इसको अनमाइनेबल के थ्रू माइन करेंगे. अब यार अनमाइनेबल पे देखो कि बेबी डॉज सबसे ज्यादा किस पे मिलेगा. हमें बी मैश पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना बी मैश का हैश रेट कितना सोल से ये देगा आपके कार्ड जो है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे. मेरे को अभी कपाओ का पता है. तो एग्जांपल ही क्या करते हैं कि कपाओ पे हम अगर 100 मेगा हैश अगर हमारे हैश पावर है कार्डों की. एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है, सॉरी. सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बेबी डॉज. मेन चीज ही बोलिए बेबी डॉज. ठीक है, अब यहाँ पे हम आकर के कपाओ पे 100 मेगा हैश करेंगे तो एक दिन में हमें कितना मिलेगा. उनतीस करोड़ बेबी डॉज पॉइंट मिलेंगे हमें. ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर लेना. उनतीस करोड़ बेबी डॉज हमें यहां मिलते हैं अगर हम इत हैश से करते हैं और हमारी 100 मेगा हैश की हैश पावर. अच्छा, इसमें 100 मेगा हैश दिया है तो इत हैश में अप्रोक्सली 240 मेगा हैश देगा. जस्ट अ सेकेंड, 240 मेगा हैश देगा. तो 29 करोड़ कपाओ पे दे रहा था, 23 करोड़ ये इथैश पे दे रहा था. हमको कपाओ पे करने पे ज्यादा बेनिफिट है. तो ठीक है, हम कपाओ पे जाते हैं. ठीक है, हमने कपाओ सेलेक्ट कर लिया. अब अनमाइनेबल सबसे पहले हमें चाहिए, अब ये सारी चीजें हमारी सेट हो गई.
हमें चाहिए वॉलेट एड्रेस यार, जो हम माइन करेंगे अनमाइनेबल पे, वो हमारा कहीं जाना भी तो चाहिए। हमारा मतलब हम उसे माइन करके रखेंगे कहाँ? ये तो हमारा एक सिर्फ क्या बोलते हैं, एक तरीके से हमारा एक तरीके से पूल हो गया ना, तो पूल में तो हमारा रेगुलर रहेगा नहीं, वो हमको जाना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा वॉलेट में। तो ठीक है, तो हमको वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करेंगे। एप्पल स्टोर पे भी है, गूगल पे भी है, सब पे है, क्रोम पे भी है। इसमें गाइस सिंपल क्या करना है, तुमने अपने मोबाइल में इस पे ये, दूसरी बात, इसमें केवाईसी की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक ट्रस्ट वॉलेट का अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इसकी सारी स्पेशली एक चीज बोलना चाहता हूँ, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जो भी प्राइवेसी टर्म्स होते हैं या लगभग प्राइवेसी कीज होती हैं, जो भी आपकी वो होती है, उसको बहुत संभाल के रखना। अगर आपने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, मोबाइल चेंज कर दिया और आप प्राइवेसी की भूल गए, और आपके चाहे 1 रुपए का उसमें कॉइन रखे हो, चाहे करोड़ों के कॉइन रखे हो, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप फोन चेंज करते हो और डिसेंट्रलाइज कोई भी वॉलेट यूज कर रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। प्लीज अपनी प्राइवेसी कीज जो भी उसकी होती है वो संभाल के रखना, अदरवाइज आपके सारे कॉइन खराब, बेकार, गायब, कुछ भी हो जाएंगे। अगर आपने वो कॉइन, वो चोरी नहीं होंगे, लेकिन आप दोबारा कभी लॉग इन नहीं कर पाओगे अपने उस वॉलेट को। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे ये हेल्प भी नहीं होती है अगर आप भूल गए होते हो। ठीक है, तो बहुत संभाल के रखना वो चीजें। अब हम इस पे वॉलेट पे बना लेंगे अपना एड्रेस। मैं तो बेस्ट यही कहता हूँ, सबसे बढ़िया है बॉस तरीका, बेबी डॉज माइन करो। ठीक है, उसे इसमें रखो। अगर वो बाइनेंस पे, अभी लिस्टिंग का भी होने वाला है, बाइनेंस पे लिस्टिंग होता है, तो बाइनेंस पे जो है अपना सीधे उसको सेंड कर दो। इसको सिर्फ एक तरीके से रिसीविंग वॉलेट की तरह यूज करो। मैं ऐसा ही करता हूँ मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन मेरे पास कीज वगैरह सब रखी हुई है, तो मैं बेबी डॉज उसी में रखता हूँ। लेकिन जब जैसे ही बेबी डॉज अगर बैलेंस पर रिसीविंग में आता है, तो मैं उसे वहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। और अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि बेबी डॉज को कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, बेबी डॉज को कन्वर्ट कर ले रहा हूँ दूसरे कॉइन पे जो बाइनेंस में है, और उसको वहां से स्वैप करके उसे वहां भेज दो। ठीक है, अब राइट नाउ ये तो चीजें हैं, वो सब आपको बताएंगे आगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन, आप कमेंट वगैरह होंगे कि कैसे करते हो, वो सब आपको आपको पता भी होना चाहिए, या पता हो जो भी है, अगर पूछना है तो बता देंगे। सेकेंडली आते हैं जल्दी से, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज है अपना, एक तो ये वॉलेट हो गया, वॉलेट से हमें एक एड्रेस मिल जाएगा लाइक दैट। ये मेरे को एक एड्रेस मिल गया है, मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करके पहले से रखी हुई है। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे वॉलेट एड्रेस चाहिए। ये मेरे वॉलेट का एड्रेस है, ठीक है, इसे कॉपी करके नीचे रख कर देते हैं। अब आते हैं अपने हाइव ओएस पे। ये मेरा हाइव ओएस पे, मेरी जो टेस्टिंग, मैंने एक रिंग बना रखी है जिसपे मैं ये सब करता रहता हूँ। इस पे आते हैं और सीधे हम जाते हैं फॉर्म पे। मेरा नेट्स तो नहीं चल रहा, बट पता नहीं क्या क्रोम क्रोम में दिक्कत हो रही है, सारा समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। नेट तो बढ़िया चल रहा है, आज ही प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपटॉप ये। अब ठीक है, अभी ये खुल जाता है, तो सबसे पहले वॉलेट बना लेते हैं।
ठीक है। अब ये क्वाइन आप देखोगे ये है तो है नहीं, एक मिनट एड वॉलेट पे पहले क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है एड वॉलेट पे आ गए, अब एड वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करके इसे ड्रॉल डाउन करके देखते हैं, इसमें आपको बेबी डॉट कहीं नहीं दिखेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे BABY, सॉरी इसे कैपिटल में कर लेते हैं BOG बेबी डॉट यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस, ठीक है, और इसका नाम भी रख देंगे हम बेबी GOG डॉट, ठीक है। अब जब हम इसको क्रिएट कर देंगे, वॉलेट क्रिएट हो गया, फ्लाइट शीट पे आते हैं, यहीं पे फ्लाइट शीट भी क्रिएट कर देंगे। क्वाइन यही हमने क्रिएट किया था, देखो आपको और देखोगे तो यहाँ पे बेबी डॉट दिखेगा नहीं कहीं भी, ठीक है। तो बेबी डॉट पे क्लिक कर देंगे, वॉलेट ले लेंगे बेबी डॉट जो हमने बनाया था। ये क्वाइन कैसे आया पता है, जब आपको जब आपने वॉलेट बनाया ना तो तभी ये क्वाइन को ट्रिकर मतलब इसको इसने वो कर लिया, कैप्चर कर लिया लाइक, ठीक है। अब पूल पे जाकर के हम कॉन्फिगर माइनर पे क्लिक करेंगे, माइनिंग मैं माइनर ले लेता हूँ, टी रेक्स मुझे सही लगता है तो मैं टी रेक्स ले लेता हूँ। यहाँ से शुरू होती है मेन थीम, हम अब इस माइनर को कॉन्फिगर करेंगे। ये खुल गया, एल्गोरिथम एल्गोरिथम लेंगे कपाओ, वॉलेट एड्रेस अब हमारा मेन ये है। अब आप जब देखोगे अनमाइनेबल पे आओगे तो यहाँ पे क्या बोलता है आपको यहाँ पे भी दिखेगा बेबी डॉज, ये लिखना है, कॉलन लगाना है, अपना वॉलेट एड्रेस डालना है और वर्कर डालना है, ठीक है, ये आपको करना है। अभी हम क्या करेंगे यहां से बेबी डॉज को क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं, वॉलेट एड्रेस लेते हैं, वॉलेट एड्रेस डाल लेते हैं, यहाँ पे भी डॉट लगा के वर्कर नेम डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, वर्कर नेम भी यहाँ पे भी डाल दिया। पूल एड्रेस, पूल एड्रेस के लिए जाएंगे अनमाइनेबल पे, एशिया एशिया एशिया, ठीक है। ये कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक पोर्ट, ठीक है, पासवर्ड एक्स रख देंगे,
स्मॉल में और अप्लाई चेंजेस, ठीक है, क्रिएट फ्लाइट शीट। तो ये बेबी डॉग नाम से फ्लाइट शीट बन गई। अब करते हैं स्टार्ट माइनिंग। वर्कर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, मिसिंग फ्लाइट शीट है, फ्लाइट शीट में जाते हैं और इसको रॉकेट लॉन्च करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब यस कॉन्फिगर हो गई है। ओके कपाव ले लिया। यहां देख लेते हैं। माइनर ओके डैग जनरेट कर रहा है। एक रेड रिंग हो गई ये URL में एशियन मैनेबल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गई है यहाँ पे। ओके माइनिंग स्टार्ट हो गई है आई थिंक। यस माइनिंग स्टार्ट। यहाँ देखें यस माइनिंग स्टार्ट, शेयर एक्सेप्ट हो गया एक, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा बेबी डॉज माइन करने का अनमाइनेबल से। अब हम अनमाइनेबल पे कैसे देखेंगे दोस्तों, आपका ये एड्रेस था ना, हम इसको वैसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहीं से भी कॉपी। अनमाइनेबल पे जाते हैं, कुछ नहीं करना, बस सीधे एड्रेस में जाना है। कंट्रोल ए मतलब यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना और सर्च कर देना। ये देखो ये मैंने इतने माइन करे हुए हैं ये तो एक ये छोटी सी रिग और चला रखी थी मैंने इस पर, ये इस पर चलती रहती है, माइन करती रहती है। अभी देखो मेरी रिंग नंबर क्या है, 592489। अभी लगाई ना 592489, 1 MHz आ गया ना। अभी ये धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पे आउट जो है सीधे अपना उस पर आ जाएगा। माइनिंग स्टार्ट है, चल रही है यहाँ और शेयर एक्सेप्ट किए होंगे इसमें। नहीं अभी नहीं किया है, धीरे धीरे ये करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम अपनी बड़ी रिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये तरीका है हाई OS पे से अपना अनमाइनेबल से बेबी डॉज को माइन करने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो वीडियो लेके आता हूँ एक, कि हाउ टू अपडेट, कि हम अपना जो NVIDIA के ड्राइवर है वो कैसे अपडेट करते हैं, और दूसरा कोई और पॉइंट लेके आते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्ट कर गया ना यहाँ पे, ओके हुआ होगा ये 80 है, शेयर एक्सेप्ट किया मेरे GPU नंबर 0 में, 0 मतलब ये आता है ना 1 0, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आप लोग बेटर जानते हो सब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।